नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर फर्जी लूट के मामले का 4 घंटे में किया खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात पुलिस ने फर्जी लूट के मामले का 4 घंटे में किया खुलासा। फैक्ट्री के अकाउंटेंट ने पुलिस को 4 लाख रुपए की लूट होने की दी थी सूचना। हाईवे पर अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने रुपए लूट कर फरार होने की सूचना। पुलिस ने मामले पर गहनता से जांच की शुरू। सीसीटीवी फुटेज व जांच में अकाउंटेंट ही निकला लुटेरा। पुलिस ने अकाउंटेंट के घर से लूट के 4 लाख रुपए किए बरामद। पुलिस ने अकाउंटेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के जैनपुर का मामला, आइए जानते हैं बीबीजीटीएस मूर्ति पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कैमरामैन बबीता के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, एक हमारे अकबरपुर में एक 3G इंडस्ट्रीज बोल के एक इंडस्ट्री है, उन्हीं में अकाउंटेंट एक है, उनका नाम है सुब्रत, बंगाल के निवासी है, इसमें अकाउंटेंट का काम करते हैं। एक हमें सूचना मिली थी कि इनके साथ 3,74,000 रुपये की लूट हुई है और दो बाइक सवार लोग आते हैं। फिलहाल जब हम गए थे मौके पर, सब लोग गए थे, जब मैंने सीसीटीवी फुटेज और बाकी हमारे जो टोल प्लाजा वगैरह भी देखा था, कुछ शक आया है और फिलहाल इनकी टी शर्ट भी बदली हुई दिख रही थी, तो हमने तुरंत अपने जो एसओई उनको और बाकी थाने टीम को बताया कि एक बार उनके घर और बाकी जगह पे चेक करने के लिए, और शक के हिसाब से उन्हीं के घर में मतलब पूरे पैसे 100% मिले और बाकी विधि कार्रवाई की। क्या इसने लूट के जब इसने सूचना दी, क्या टी शर्ट घर पर बदल लिया आगे? अब फिलहाल शक तो वैसे ही, मतलब अभी जब पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमें कैमरा में इनकी टी शर्ट दिखी थी थोड़ा सा सफ़ेद रंग की दिख रही थी, और फिलहाल अभी जब आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ग्रे कलर और नीले रंग का। जब मैं आया था जब स्पॉट पे, तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना टी शर्ट बदला। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है सर इसको? इनको फिलहाल अभी इनको ही ले आए थे घर दिखाने के लिए, और जब से हम बरामद कर लिए, पैसे बरामद हो गया, पैसे पूरा 100% बरामद हो गई है और बाकी भी कार्रवाई। वजह सर कुछ बताई कि ऐसा क्यों किया इसने? बस इनकी जस्ट ज़्यादा अभी फिलहाल पूछताछ हुई है 1-2 मिनट के लिए, जिसमें ये कह रहा है कि अपने कुछ पुराने खर्चे थे और उसको भरपूर करने के लिए इन्होंने वो पैसे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको। ठीक।